वीडियो एग्जाम हिंदी का गर्म सागर, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2018 UPSSSC 2018 वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है गागर में सागर। पहला क्वेश्चन है, भारत भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है, वर्ण ध्वनि की मूल इकाई कहलाती है। मात्रा वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है मात्रा कहलाती है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ हैं तो 52 है, जिसमें 33 व्यंजन, 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 उष्ण व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त 4 व्यंजन, द्विगुण 2 व्यंजन है, अयोगवाह 2 है और कुल टोटल वर्णों की संख्या 52 है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है, अक्षर वर्ण कहलाता है, क्रिया कार्य करना कहलाती है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं, आ आ ई उ ऊ ए ओ और री है। व्यंजन जो सुरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 25 है, सॉरी 33, स्पर्श व्यंजन 25 है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ दीर्घ स्वर है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये छोटा लिखा हुआ छोड़ा उसको। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विवृत्त स्वर नहीं आएगा। अग्रस्वर ई ई ए है, मध्य स्वर आ है, पश्च स्वर आ उ ऊ ओ औ आ है, ये 3 प्रकार के होते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च संवृत्त स्वर है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। अग्रस्वर ई ई ए है, मध्य स्वर आ है, पश्च स्वर आ उ ऊ ओ ओ और आ है, समवृत्त स्वर ई ई ऊ और ऊ है, अर्ध समवृत्त स्वर ए ओ, विवृत्त स्वर आ है, अर्ध विवृत्त स्वर आ ए ओ और आ है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है और आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कंठोस्थ ओ और आ का कंठोस्थ है, ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर कहलाते हैं तो कंठ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। सा का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, तालु से का कंठ से, दंत से ता का, मूर्धा से टा वर्ग उच्चारण है। ई ई च छ ज झ यहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो तालव्य से होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे दंत कहा जाता है, टावर्ग के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य टावर्ग के अंतर्गत आता है, अनुनासिक मा अक्षर के अंतर्गत आता है, वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आ जाती है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो 11 और 35, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कामता प्रसाद गुप्त गुरु ने वह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों की कितने भेद माने हैं? तो 2, अल्पप्राण और महाप्राण। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो वर्त्य कहा जाता है, उत्सर्य न स ज र ल ढ है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। संज्ञा शब्द है, आकाश संज्ञा शब्द है, आप सर्वनाम है, चलना क्रिया है, लंबा विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, रूढ़ औगिक और योगारूढ़। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें लेखक नहीं है, त्रिपिटक जो दुनिया में अकेला हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। भार
तर गंगा जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, तूफान व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। सरसव भाववाचक संज्ञा है, लोहा और लकड़ी। द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थ है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो जातिवाचक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा दौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, तो बपौती, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो पांच प्रकार के, जाति भाव, मानव मानवता, सर्वनाम भाव जिसे अहम अहंकार, क्रिया भाव खेलना से खेल, विशेषण भाव सुंदर से सुंदरता, अन्य भाव निकट से निकटता, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज में कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जैसे पीतल, लोहा, सोना, चांदी, पेट्रोल, दल, टुकड़ी, गिरोह, कौन समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश संज्ञा पद संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो विलिष्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे राम ने गौरव को सुमन से, शिवानी ने उसने मुझको उसके, आपका संश्लिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पुलिंग है, तो न्याय जैसे मेरा पुलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुलिंग शब्द है, तो सारस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिंग शब्द का चयन पहिया है, ऑप्शन नंबर पुलिंग शब्द वही चाय है, सॉरी चाय नहीं दही, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। चाय, सिंक जी, लस्सी, ये सब स्त्रीलिंग है, दही पुलिंग लिंग के अंतर्गत आता है। स्त्रीलिंग शब्द शराब है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक है। जिन भाव संज्ञा के अंत में हट होता है उसका लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे आहट, चिकनाहट से। मंत्री शब्द का लिंग होता है, तो उभय लिंग है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। लिंग बताइए, उभय लिंग है। मनगढ़ंत, तो उभय लिंग है, जैसे विचार पुलिंग है, बात स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो अरहर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, रचना, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, झील है, देश, नगर, द्वीप, पुलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो छाछ है। कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं, तो झुरमुट, झुंड कहा जाता है, झुरमुट। वचन किसका बोध कराता है, तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत जनता, समान, सामग्री, सोना, प्रत्येक, हवा, पानी, क्रोध, क्षमा, सत्य, झूठ, स्टील, सहायता, प्रेम, चांदी, लोहा, तेल, घी, दूध, दही, मक्खन, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। बहुवचन के अंतर्गत होश, आंसू, दाम, दर्शन, अक्षर, प्राण, नेत्र, हस्ताक्षर, समाचार, ओट, भाग, बाल, आशीर्वाद, रोम, ये बहुवचन के अंतर्गत शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में एक वचन है, तो तेल एक वचन है, प्राण, दर्शन, ओट बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में नित्य व एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं, तो हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कवि का बहुवचन रूप कवि बृंद होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अत्यंत स्वर के बदले एक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, तो बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो शिक्षक गढ़ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगरा का बहुवचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो छह प्रकार के सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, अग्नया निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, जैसे आप अंदर आकर बैठिए, तो आप इसमें सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें कौन सा शब्द है? तो अन्य पुरुषवाचक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मध्यम पुरुष, तुम, आप, अन्य पुरुष, ए, वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? आप भोजन करें, मध्यम पुरुषवाचक है। क्या तुम खरीद रहे हो? प्रश्नवाचक। दस्तावेज पर कोई, सॉरी, दरवाजे पर कोई खड़ा है, निश्चयवाचक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, तो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्वनाम के लिए किया जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वही सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? तो डॉक्टर दीपसित ने 1966 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति अर्थात अर्जित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जैसे सुंदर का एक कथन इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द इसमें विशेषण नहीं, आचार विशेषण नहीं है। अकूत, जैसे राम के पास अकूत संपत्ति है। अकर्ण, लड़का कड़हीन है। अचंड, लड़का अचंड है। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो अतिरंजित है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द महत है, महत का महान होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। शब्दों में विशेषण, पांचवा विशेषण कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो आर्स बनेगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर।
आठ बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? पुलिस की लापरवाही, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चार गज मलमल में विशेषण का भेद परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएँ होती है? तो तीन होती है, मूल्य अवस्था, उत्तरावस्था और अमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो कालबोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। गुणबोधक में अच्छा विशेषण है। कौन सा विशेषण शब्द ढालू विशेषण शब्द जो रास्ता ढालदार हो? नेक्स्ट है, सतीश चंचल बालक इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई आदमी आ रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो अनिश्चित व संख्यावाचक विशेषण है। जैसे पूर्णांक में एक, अपूर्णांक में गणावाचक, क्रम में पहला, आवृत्ति में दोगुना, समुदाय में दोनों, प्रत्येक में हर एक। नेक्स्ट है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो आवृत्तवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। समुदायवाचक विशेषण है तो चारों समुदायवाचक विशेषण है। 100 गुना आवृत्ति विशेषण, चौथा क्रम है, चार पूर्णांक। नेक्स्ट है, 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचानिए, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा, तो अंतर विशेषण कहा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो उत्तमा अवस्था है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूल अवस्था न्यून है, उत्तरावस्था न्यूनतर है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में तीन विशेषण और दो विशेष हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो सकर्मक क्रिया है, एक कर्म सहित है, अकर्मक कर्म रहित होता है, प्रार्थक क्रिया द्विकर्मक दो कर्मों में। जैसे मीरा जोर से हंसी, ये वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण? तो अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही हो। जैसे रोहन चाय पीकर बैठ गया, पूर्वकालिक क्रिया, जैसे पहले समय से ही काम कर लिया। प्रार्थक क्रिया, प्रथम प्रार्थक, द्वितीय प्रार्थक, जैसे काम करने में कर्ता स्वयं शामिल हो, और द्वितीय प्रार्थक क्रिया कर्ता स्वयं काम ना करे। नाम धातु संज्ञा विशेषण निष्ठ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। जैसे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो द्विकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थक क्रिया है, तो गिराना प्रार्थक क्रिया, प्रथम प्रार्थक है। नेक्स्ट है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है? तो 6 कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो 8, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान अलग से, संबंध का की के रारी रे, और अधिकरण में पर संबोधन हे हो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रथम प्रभाव पड़े वो कर्म कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? तो करण कारक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच कौन सा कारक है? तो करण कारक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो करण कारक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हरिमोहन को रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, तो अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ तो वाहना रूढ़, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक? अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो भूतकाल को प्रदर्शित करता है। भूतकाल बीते समय का बोध कराता है, भविष्यकाल काम का आने वाला समय में होने वाला बोध भविष्यकाल कहलाता है, वर्तमान काल काम का वर्तमान में होने का बोध वर्तमान काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सम्मान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? तो समय होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, अपूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राम खाना खा चुका होगा में कौन सा काल है? तो संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, तो राम घर गया था भूतकाल है, मैं जाता हूँ वर्तमान काल है, वह आ रहा है वर्तमान काल है, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, कल तापमान अधिक होगा, इस बात का काल पहचानिए। तो भविष्य काल है। हमारा ही परे टॉपिक समाप्त होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।